हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शाहिद सैयद, सो वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएसटी के नोटिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, नोटिफिकेशंस नंबर 67, नोटिफिकेशन नंबर 68 बाय 2020 जो इशूड हुआ है 21 सितंबर 2020 को। अब ये दोनों नोटिफिकेशंस किससे रिलेटेड आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो जो 67 है वो है GSTR4 से रिलेटेड। आप लोगों को पता होगा GSTR4 कौन फाइल करता है, जो कंपोजिशन टैक्स पेयर होते हैं उनको एक एनुअल रिटर्न्स फाइल करना रहता है। तो एनुअल रिटर्न्स की डेट ऑलरेडी चली गई है, उसके बाद बहुत सारी लेट फीस आने लग गई थी, तो उससे रिलेटेड जो लेट फीस है, लेट फीस गवर्नमेंट ने वेव किया है, कितना वेव किया, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। एंड देन 68 नोटिफिकेशंस नंबर है वो GSTR10 से रिलेटेड है। अब आप लोगों को पता होगा GSTR10 कौन फाइल करता है, कि अगर आपने GST का रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन का एप्लीकेशन दिया हुआ है तो आपको विद इन 3 मंथ ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विद इन 3 मंथ्स में आपको GSTR10 फाइल करना रहता है। लेकिन आप लोग में से बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है, मतलब वो नॉर्मली एक एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन के बाद अगर उनको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आ जाता है तो वो लोग ये समझते हैं कि हमारा GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। लेकिन इस ऐसा नहीं है दोस्तों, कैंसिलेशन ऑर्डर के बाद आप लोग को एक GSTR10 लास्ट फाइनल रिटर्न्स आप लोग को फाइल करना रहता है, और वो विद इन 3 मंथ ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन और एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन के बीच में आप लोग को फाइल करना रहता है। अब जो लोग को ये पता हुआ उसके बाद जब लोगों ने फाइल करना चालू किया तो उनको मैक्सिमम 10,000 की पेनल्टी दिखने लग गई, मतलब लेट फीस आप लोग को दिखने लग गई। तो उसी चीज़ें को गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के थ्रू वेव किया है, मतलब बहुत सारा आप लोग को रिलैक्सेशन मिला है। आप लोग ये सारी चीज़ें 31st of December 2020 तक कर सकते हो। कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों नोटिफिकेशंस हम लोग डिस्कस करने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं। दोनों नोटिफिकेशंस की कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा दोस्तों। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके दोनों नोटिफिकेशंस की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नोटिफिकेशंस में क्या क्या मेंशन है, क्या क्या वेव, कितनी पेनल्टीज वेव किया हुआ है, लेट फीस, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं gst.gov.in पे। मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन से आप लोग को नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये न्यूज गवर्नमेंट ने अपडेट किया, जीएसटी डिपार्टमेंट ने। आप लोग देख सकते हैं न्यूज एंड अपडेट्स का जो सेक्शन है, यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है रिलीफ इन लेट फीस टू टैक्स पेयर फाइलिंग फॉर्म GSTR4 और 10 एंड चेंजेस इन नेविगेशन ऑफ कंपेरिजन ऑफ लाइबिलिटी डिक्लेयर एन ITC क्लेम। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आप लोग को कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जो न्यूज सेक्शन का। अब हम लोग देख लेते हैं 67 में क्या मेंशन है, नोटिफिकेशन नंबर 67/2020 में। अब देखिए ये नोटिफिकेशन इशू हुआ, जैसे मैंने आप लोग को बता दिया 21st of September 2020 को नोटिफिकेशन इशू हुआ है। किसको, किसके लिए, द टैक्स पेयर हु वेर अंडर द कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग एनी पीरियड 31st March 2019 हैव बीन प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन इन पेमेंट ऑफ लेट फीस ऑन फाइलिंग ऑफ GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न्स। अब GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न्स, अब देखिए दिस रिलैक्सेशन इज अवेलेबल इन फॉर्म GSTR4 क्वार्टरली रिटर्न्स इज फाइल्ड बाय देम बिटवीन 22nd सितंबर 2020 टू 31st of October 2020 नाउ फॉर एनी टैक्स पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 18-19। अब देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज आप लोग को समझना कि ये आप लोग कब तक फाइल करेंगे तो ये बेनिफिट्स आप लोग को मिलेगा। अब आप लोग कब से रिटर्न्स फाइल करेंगे, अगर आपने 17-18 और 18-19 का GSTR4 आपने फाइल नहीं किया हुआ है तो आप कौन से पीरियड से, 22nd of September से लेके 31st of October तक आप फाइल करेंगे तो अगर आपका GSTR4 में नील है, नील रिटर्न्स आपका GSTR4 है तो आपको कोई लेट फीस नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपको कोई लायबिलिटी आ रही है तो मैक्सिमम आपको 500 रुपया भरना पड़ेगा, 250 CGST एंड 250 SGST। तो ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा दोस्तों कि कौन से पीरियड के बीच में आप लोग को फाइल करना है, 22nd of September से लेके 31st of October के बीच में GSTR4 आपको फाइल करना है, कौन से पीरियड का, अगर आप लोग ने मिस कर दिया 17-18 और 18-19 का। तो ये ये नोटिफिकेशन नंबर 67 था। अब 68 जो है वो तो बहुत सिंपल है दोस्तों, उसमें मैंने आप लोग को बताया कि GSTR10 से रिलेटेड 68 नोटिफिकेशंस इशू हुआ है। अब इसमें भी क्या बोला गया है, मैक्सिमम पेनल्टी आपको 500 रुपया भरना है।
जैसी पहले आप लोग को दिख रहा होगा, मैक्सिमम पेनल्टी आपको 10,000 रुपये, आप अगर आप जीएसटी आर 10 फाइल करने जा रहे होंगे तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज दिख रहा होगा। अब गवर्नमेंट ने इसको 500 रुपीज कर दिया है। कब से दोस्तों, आपको कब से फाइल करना है? बिटवीन 22 सितंबर से लेके 31 दिसंबर 2020 तक अगर आपने फाइल किए तो आपको मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपया फाइल करना है, 250 CGST, 250 SGST। तो होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर लॉ, आरओसी कंप्लायंसेस में आपको अप टू डेट रहना है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आने वाले वीडियो में मैं पूरा जीएसटी का कोर्स लेके आने वाला हूँ। जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स है, सीएस फाइनल के स्टूडेंट है, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के स्टूडेंट्स है, और जो जीएसटी में प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों, और एब्सोल्युटली फ्री सारी चीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट आप लोग इस चैनल पर मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।